नमस्कार दोस्तों, ऐसी दो चीज़ें होती हैं जिसे अगर आप नहीं खाएंगी तो होम्योपैथी बहुत ज़्यादा अच्छे से असर करती है, बहुत ही इफ़ेक्टिवली अपना काम कर पाती है। तो आज मैं उन दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसको आपको नहीं खाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और जिससे होम्योपैथी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं, ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हैं, तो आपका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी इफ़ेक्टिव होगा और आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा कि हर दिन मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ होम्योपैथिक रिलेटेड। आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट, उनसे रिलेटेड भी वीडियोस लाता रहता हूँ। और साथ ही साथ मेरा लाइव क्लिनिक हर दिन रात के 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आता है, और आप उसमें जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपको समस्या है वो पूछ सकते हैं। और मेरा ईमेल आईडी है जहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, kirtivikramsinghparihar@gmail.com। तो चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, दो चीज़ें मैंने अपने क्लिनिक में देखा है कि अगर लोग खाते हैं और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं, तो होम्योपैथिक मेडिसिन तो असर करती है लेकिन थोड़ा कम असर करती है। और वो ऐसी चीज़ें हैं जो अमूमन आप खाते ही हैं या पीते ही हैं। तो वो दो चीज़ें कौन सी हैं? दोस्तों, पहली है दही, कर्ड। दोस्तों, कर्ड बहुत सारी बीमारियों में आपकी प्रॉब्लम बढ़ाती है, और इसी कारण से जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं और कर्ड भी साथ में खाते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं उनके लक्षण बढ़ते हैं, जिससे आपकी समस्या समय लगता है उसे ठीक होने में। जैसे कि दही और माठा और साथ में दही से बना हुआ कोई प्रोडक्ट, सबके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक कि कढ़ी के भी बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जैसे कि अस्थमा, जैसे कि दर्द रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, गाउट हो गया, गठिया, बात, और पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, दर्द अगर आपको है और आप दही खाते हैं, मैंने बहुत बार देखा है कि पेशेंट्स का जो दर्द होता है, जो पेन होता है, वो बढ़ जाता है। तो दही नहीं खाना चाहिए। अब अस्थमा, कफ, खांसी की समस्या, नाक बहना, छींके आना, एलर्जी की समस्या, एलर्जिक साइनोसाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या, और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की समस्या, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस की समस्या, ये समस्या बहुत आम है, और होम्योपैथी में बहुत सारे पेशेंट आते हैं इन समस्याओं को लेकर। और अगर वो दही भी खाते रहते हैं या बीच बीच में दही कहीं ले लेते हैं, तो उनकी समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में होम्योपैथिक मेडिसिन जो असर कर रही है, वो इफ़ेक्ट अपना पूरा नहीं दिखा पाती। तो दही का सेवन नहीं करना चाहिए। और स्किन डिसीज़, चर्म रोग में, जैसे कि एक्जिमा हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, ऐसी बीमारियों में अगर आप दही खाते हैं तो खुजली बढ़ जाती है। तो ये सब बहुत आम समस्या हो गई ना, मतलब लगभग 70% जो डिसीजेज हैं वो कवर हो जाती हैं। और इसीलिए दही का सेवन नहीं करना चाहिए अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, या आपको ये समस्या है और आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं, अगर आप दही का सेवन करेंगे तो आपकी समस्या बढ़ जाएगी। फिर एग्जाइटिंग कॉज है ये, मेरा एक वीडियो है एग्जाइटिंग और मेंटेनिंग कॉज पे, आई बटन पे, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। तो दही जो है वो एग्जाइटिंग कॉज है, और जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो एग्जाइटिंग कॉज मतलब दही को आपको नहीं खाना है, दही से बना हुआ कोई भी चीज़ आपको बिल्कुल नहीं खाना है। दूसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं तो आपको कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, कॉफ़ी ऐसा देखा गया है कि मेडिसिन के इफ़ेक्ट को थोड़ा कम कर देती है, तो अगर आप कॉफ़ी पियेंगे तो मेडिसिन का इफ़ेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। खासकर अगर बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं चल रही, मतलब 2 से 3 मेडिसिन नहीं है, सिंगल मेडिसिन है या 2 मेडिसिन है, ऐसे में अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो थोड़ा सा इफ़ेक्ट कम हो जाता है। और कॉफ़ी पीने से नींद कम आती है, जिसके कारण आप अच्छे से सो नहीं पाते, और जिसके कारण इंडिस्पोजिशन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप खा रहे हैं या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो कॉफ़ी का सेवन ना करें। अगर आप रेगुलर कॉफ़ी पीते हैं तो उसे थोड़ा सा ज़रूर कम कर दें, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छे से मेडिसिन असर कर पाए। तो कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दही और कॉफ़ी, ये दो चीज़ हैं इसका उपयोग ना करेंगे आप, जिसको आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे
तो आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन अगर इफ़ेक्टिव है और अगर सिम्टोमेटिक करेक्ट है और आपके लिए बेहतर है तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगी और आपकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी। जब प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो फिर आप कॉफ़ी भी पी सकते हैं और दही भी खा सकते हैं। तो हमेशा के लिए नहीं, लेकिन जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है तब तक ज़रूर आप इन दो चीज़ों को अवॉइड करें। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर एक रेड का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। इसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दिया तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।